सुप्रीम कोर्ट से आप तो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने के लिए, ऐसा किसने कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? एकदम पूछ सकते हैं। मैं तो कल परसों में एक प्रोग्राम ला रहा हूं इसी के ऊपर कि कैसे आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। अभी मेरा एक बहुत बड़ा मंडे को आप देखेंगे रात 9 बजे, बहुत बड़ा हम खुलासा करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश के तहत किस हाई कोर्ट के जज को सजा होने वाली है, सजा हो सकती है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वो विषय नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के से आप सारा सवाल पूछ सकते हैं और इसका पूरा अधिकार है आपको। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ सर यही जानना चाहता हूं आज तो सर, हमारा और हमारे देश के तमाम साथी आपको ही देख रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि इन तीन लोगों को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देशन में तय किया था, निगरानी समिति में रहेंगे, इनके दिशा निर्देशन में बटेगा 9 महीने के अंदर, इन लोगों की भूमिका क्या थी, ये बात समझ में नहीं आई। इसका विश्लेषण अगर मैं अजय पत्रकार के रूप में आपसे चाहूं, हम लोग भी देश के लिए सुनना चाहते हैं कि आखिर ये था थे कौन, इनको करना क्या था, ये करके क्या गए। इसमें तो प्रोएक्टिव होना चाहिए था। मान लीजिए 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है, अब ये जो जस्टिस के देखरेख में सारा काम चल रहा है, तो इनको तो ये करना चाहिए था कि कम से कम 25,000 करोड़ तो पहले रिलीज कर दो, और उसके बाद हमारे पास जो जानकारी आई है वो देखिए, सरकार के तरफ से कंपनी को लगभग 86,000 करोड़ का डिमांड गया है, और बाकी लोग जो डिमांड भेज रहे हैं, सरकार ने शायद इसकी सूचना दी है कि 25,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा, आपको 86,000 करोड़ का इंजाम करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात अभय जी ये है कि किसको सर, किसको? सहारा ग्रुप को, सहारा प्रबंधन को 86,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। भारत की सरकार क्यों गिड़गिड़ा रही है सर? संपूर्ण अधिकार सुरक्षित है भारत सरकार के पास, और सहारा ग्रुप का हुआ सहारा ग्रुप केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी एज ए ओनर, अगर वो सुब्रत राय है प्रबंधन टीम एज ए ठेकेदार एज ए कॉन्ट्रेक्टर, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि भारत की सरकार से सारा प्रबंधन तंत्र से मांगने के लिए, जब केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ही उसकी मालिक है। सच मायने में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के प्रमुख सचिव को गिरफ्तार किया जाना नितांत आवश्यक है। अभय जी, लेकिन अभी भी जो पावर कोटरी में अभी भी जो ये सिगुफा चल रहा है कि सहारा के पास जो भी पैसा है उसका कोई निवेशक का अता पता ही नहीं है, नाम ही नहीं है, जो मोटे पैसे हैं, जो छोटे पैसे हैं वो तो सहारा निश्चित कहेंगे। और मैं देश भी यही बात और सरकार भी यही बात साबित कर रही, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक पूरी तरह से मुतमइन हूं और इस बात को तस्दीक कर रहा हूं कि देश की सरकार भी यही साबित करना चाहती है, सहारा प्रबंधन तंत्र भी यही साबित करना चाहता है, और हमारे तमाम जो आज आंदोलन में जुड़े लोग हैं उनकी बातों को गंभीरता से ना समझते हुए जो लोग आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं ये भी वही साबित करना चाह रहे हैं, यही साबित करना चाह रहे हैं, और उनको इस बात के लिए बाकायदा लगाया गया है। बाकायदा मैं फिर आपको सही रास्ते पे बात करते हुए आना चाहूं, उनको बाकायदा इस बात पे ब्रीफ कराया जा रहा है कि किसी भी तरीके से देश के निवेशकों को सड़क पे आने से रोको, और उसके लिए आप मोटी धनराशि अंदर से लो और आपकी डील हो जा रही। डील कर करके आंदोलन को तमाम राहों पे गुमराह करने की कोशिश की गई है, और ताकि देश के निवेशकों तक ये बात सूचना ना जाए, तभी तो मैंने तमाम राष्ट्रीय चैनल पे जो बात करी उसने कहा कि हमारे ऊपर जो बैठे हेड है उनका आदेश नहीं है, मेरी नौकरी चली जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से 13 करोड़ लोगों की तक ये बात ना पहुंचे और ये कहने में कामयाब हो जाएं कि निवेशक ही नहीं है, मैं उनको पैसा कैसे दूं? अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो अंतिम में या तो मौत के आगोश में आएंगे या तो फिर हमारे साथ बैठेंगे, बोले तू अपना ले ले और चला जा, यही स्थिति बने। तो अगर अभय जी अगर यही संदेश मान लीजिए कि सरकार के भी तरफ से है और यही संदेश सहारा के भी तरफ से है और हर तरफ डील ही हो रहा है और जो निवेशक है वही जाकर के डील कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई किसके लिए और किसके खिलाफ लड़ेंगे? आशुतोष सर मैं कह रहा हूं ना कि ये जो क्रांतिकारी साथी दिल्ली में आए हुए हैं ना, वो एक एक क्रांतिकारी एक एक लाख लोगों की संख्या पे भारी है, और एक एक वो जो सांसद और विधायक और प्रधानमंत्री है ना उन पे बहुत भारी है। कभी भी कुछ बहुत बड़ी चीजें देश के लोग सामने देखने को मिल सकती है, मैं स्पष्ट आपके चैनल पे कह रहा हूं, क्योंकि हम सभी लोगों ने सर पे कफन बांध करके इस आंदोलन को बड़ा करने की जिम्मेदारी ली है, और देश की सरकार अगर कह रही है कि कहां है निवेशक तो बताएंगे कि देश के निवेशक कहां, और हम उन देश के निवेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रतिनिधित्व करते करते
अगर हमारे प्राणों का बलिदान भी होगा तो अभय देओल जैसे तमाम क्रांतिकारी साथी प्राण बलिदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं, कहीं किसी से डर भी नहीं रहे। दिल्ली की पुलिस या कड़ाके की ठंड या स्वयं भारत सरकार की दम्भी सरकार कुछ भी करना चाहे, कुछ भी कर ले, लेकिन जाएंगे तब जब देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते भारत सरकार को टक टेबल पे खोल देना पड़े। आप ये गणना मैं फिर कह रहा हूं मत करिए। हमारे और हमारे साथियों के हौसले देखिए और उन हौसले पे इनके लाखों पुलिस वालों के हौसले कमजोर हैं। ये हौसले पे भारत सरकार में चाणक्य की नीति बनाने वाले अमित शाह के भी हौसले कमजोर पड़ जाए। उनको रणनीति बनाने में कितना भी रणनीति बना ले, लेकिन जब एक कॉमन मैन जागता है ना तो कॉमन मैन देश की सरकारों की नींदें खराब कर देता है। और यहां पे कॉमन मैन आ चुके हैं। कॉमन मैन ये दिल्ली लगती है। दिल्ली के एक पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा कि ये दिल्ली तुम्हारी है क्या? दिल्ली में हमेशा आ जाते हो, इस तरह की हरकतें करते हो। हमने कहा उनसे, ये दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारे और हमारे लोगों की है। दिल्ली में जो तनख्वाह पाते हो, वर्दी पहनते हो और दिल्ली में जो सुख सुविधाएं भोगते हो वो देश के आम किसान और नौजवानों का है। और ये दिल्ली भारत का सौरमौर है। हम इस देश के हैं और हम ये जानते हैं दिल्ली हमारी राजधानी है। तुम बताओ हम पाकिस्तानी है क्या? इस हिंदुस्तान के नहीं है क्या? और ये मूवमेंट इन लोगों को भारी पड़ रहा, बहुत भारी पड़ रहा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है। जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।